हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक और आप देख रहे हैं अशोक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से ग्रो का जो डीमैट अकाउंट है उसको बंद करा सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो आप इसको बंद क्यों करवाना चाहते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि यदि आप इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपका इसमें पैसा कटेगा, इस वजह से कराना चाहते हैं या फिर और कोई रीज़न है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज है वो किस प्रकार से लगते हैं और इसको बंद करवाने की क्या प्रोसेस है। क्या ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा, तो वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बाग इसको बंद करवाना चाहते हैं। तो देखिए, ग्रो एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है अभी जिस पर आप यदि ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है, और ये ग्रो ने अपनी वेबसाइट पर भी इसको मेंशन कर रखा है। और बात कर ले कि इस पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने देने पड़ते हैं, तो देखिए इस पर क्वार्टरली लगते हैं, यानी कि हर 3 महीने पर आपको 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं, 75 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो यानी कि यदि आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपको कोई 75 रुपये नहीं देने 3 महीने के अंदर। आप सिंगल ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो, और यदि आप ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको 75 रुपीज़ देने होते हैं उस 3 महीने के। तो ये ग्रो की काफ़ी अच्छी एक स्पेशलिटी है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि आप इसको ऑफलाइन बंद करवा पाएंगे या ऑनलाइन करवा पाएंगे। तो देखिए, जो ग्रो का यदि आपको अकाउंट डीमैट अकाउंट बंद करवाना है तो इसका ऑनलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ये जो कंपनियां हैं वो काफ़ी दिमाग लगाती है, आपसे ओपन तो ये ऑनलाइन करवा लेती है और इतना इजी है ओपन करना कि क्या बताऊं, पर जब बंद करवाने की बात आती है तो थोड़ा प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन का जो सिस्टम है उसको बंद कर रखा है, तो यानी कि आपको बंद कराना है तो ऑफलाइन ही करवाना है। उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। तो किस प्रकार से उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और किस प्रकार से उसको फिल करना है, तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जिस फोरम की हम बात कर रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो फोरम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, जहाँ से आप इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशन नंबर, तो ये क्या है, तो ये सिंपली आपको खाली छोड़ने हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, ठीक है। तो ये आपको डालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लोजिंग इनिशिएटिव बाय में आपको बीओ वाले पे क्लिक करना है, और उसके बाद में क्लोजर फॉर इसके अंदर आपको ट्रेडिंग या फिर डीमैट आप या फिर बोथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास देखिए ये जो एड्रेस आ रहा है टू, आपको इस पे कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे रहने देना है, आपको इस पे नहीं भेजना है। जिस पर भेजना है वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद में जो है वो है आपका क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, क्लाइंट आईडी निकालने के लिए आपको ग्रो के अकाउंट को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको देखिए नीचे की साइड में देखने को मिलता है यू, यानी कि आपकी प्रोफाइल है यहाँ पर, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अकाउंट डिटेल्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ें ब्लर दिखेगी क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी का मैटर है, तो इसलिए मैंने ब्लर कर दी है। यहाँ पर आपको यूनिक क्लाइंट कोड देखने को मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाता है, और डीपी नंबर भी। तो आपको जिसकी ज़रूरत है वो है यूनिक क्लाइंट कोड, तो आपको ये यहाँ से देख लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखने के बाद में क्लाइंट आईडी आपने देख ली किस प्रकार से देखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है जो, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर आपको जो
ट्रेडिंग एनएससी और बीएससी इस वाले को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ सोल होल्डर इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर डालना है, जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस वाले खाने में। उसके बाद में आपको एड्रेस ऑफ कोरस्पेंड, तो यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डाल देना है, सिटी डालनी है, स्टेट डाल देना है, और यहाँ पर आपको फिर पिन नंबर डाल देने हैं। ठीक है, तो ये आपको डाल देना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो डालना है वो डालना है रीज़न ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर जो यदि आपको कोई भी रीज़न नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो आप बस इतना सा लिख दीजिए सिंपली। और उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है बैलेंस रिमेनिंग इन द अकाउंट इफ़ एनी, ठीक है, टू बी, तो यहाँ पर आपको देखिए इसके अंदर आपको ये जो नोट एप्लीकेबल इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जो भी बैलेंस बचा हुआ है, सबसे पहले तो आप अपने बैलेंस को निकालें, सबसे पहली एडवाइस तो ये होगी। यदि आप अपना जो बैलेंस है उस या फिर आपके जो भी शेयर पड़े हैं उनको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन है ट्रांसफ़र टू द अनदर अकाउंट, आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यदि आपको ट्रांसफ़र करना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको DP और क्लाइंट ID डालनी है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको छोड़ देना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको वापस से अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर मतलब नाम डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। दैट्स ऑल, ये आपका काम हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो अक्नोलेजमेंट रिसिप्ट है आपको ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना है, ये जो आपके ग्रो के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के होते हैं वो इसको भरेंगे। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी चीज़ें भरनी है और आपका जो अकाउंट है वो क्लोज के लिए। अब आपको किस एड्रेस पे भेजना है तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी एड्रेस पर आपको इसको भर के देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इस एड्रेस को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।